कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं। जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी बिहार से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे आदर्शों में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पितामह परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं पहली चार पंक्तियाँ पढ़ूंगा और ये दावा करता हूँ कि अब तक आप लोग खामोश रहे हैं। अगर मैं अंतिम छंद पढ़ूँ और आगे से पीछे तक अगर खड़ा करके ना जाऊँ तो मैं भी बिहारी नहीं, निवेदन कर रहा हूँ। अब तक जो देखा वो वहां का काम था, अब जो देखोगे यहाँ का काम है। निवेदन कर रहा हूँ, जरा सूचित करना बड़गांव कि आप कविता कैसे सुनते हैं। आदरणीय सर की उपस्थिति है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब चले गए, अनुपस्थित प्रणाम उनको भेजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ जरा मंच भी जागृत हो जाए, जरा आगे से पीछे तक आप सूचित कीजिएगा। एडवांस नहीं, मैं कविता पढ़ूँ तब उसके बाद आप सूचित कीजिएगा कि आप कविता के सम्मान में उपस्थित हैं। निवेदन कर रहा हूँ यहाँ से मंच भी सुने कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। मुझे चौथी पंक्ति पर निराश मत कीजिएगा, जरा आगे से पीछे तक सूचित कीजिएगा कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। हम शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं, गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। हम शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं, हमको एरे गेरे नथु खेरे मत कहना, हम सौ पर भारी साहब एक बिहारी है। हम सौ पर भारी साहब एक बिहारी है। सर प्रणाम करता हूँ, समय की अपनी मर्यादा है, उसी बीच में अपनी बात कहनी है। निवेदन करता हूँ मंच पे बड़े लोग उपस्थित हैं, एक छंद आपके शब्दों में निवेदन करता हूँ, पहली बार पढ़ूंगा। निवेदन कर रहा हूँ कि भले काव्य मंचों पर रहो धुरंधर, भले काव्य मंचों पर रहो धुरंधर, किंतु शिल्प भाषा वकथ्य में भी श्रेष्ठतम रहो। चाहे रहो तुम किसी भी क्षेत्र में समाज के, सदा सत्य के सबसे निकटतम रहो। पधारे गौरी गणेश महेश सुरेश संग, भक्ति की शक्ति से प्रभु के अन्यतम रहो। परंतु कहती है दुनिया की रीति सुनीति, पद पाके सरल से सरलतम रहो। परंतु कहती है दुनिया की रीति सुनीति, पद पाके सरल से सरलतम रहो। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम सबके बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है, वो आज भी तालिबान के नाम पे बंदूकें उठा रहे हैं। हम वो लोग नहीं है जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाएं, हम वो लोग हैं जो आपकी महबूबा के सुर्ख होठों को अपने दिल के कलम से कागज पे उतारते हैं और उस कागज के सहारे आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कभी हमारे कवि कुल के पितामह अमीर खुसरो ने कहा कि जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, कि जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारे में जा न ले काहे लगाए छतियां, कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और यही प्रेम यही समर्पण जब गजल के हवाले से पहली बार मीर साहब के कलम में उतरा तो मीर साहब ने लिखा कि नाजुके उसकी लबकी क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। नाजुके उसकी लबकी क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। मीर उन नीम माजाखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और यही प्रेम यही समर्पण जब जिगर साहब के कलम में उतरा तो जिगर साहब ने लिखा कि एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। यही प्रेम यही समर्पण जब सन 2000 में गीत की आवाज बनी तो भारत भूषण साहब ने लिखा कि ये असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, ये असंगत जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई। और यही प्रेम यही समर्पण जब वसीम बरेलवी के कलम उतरा तो वसीम साहब ने लिखा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। और यही प्रेम यही समर्पण जब सन 2000 में पिलखवे के एक साधारण अध्यापक के पुत्र के कलम में उतरा
तो पूरे हिंदुस्तान ने गाया कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है, और यही प्रेम यही कसक यही टीस यही पागलपन यही जुनून यही बेकरारी जब 6 फरवरी 2020 को प्रशांत बजरंगी के कलम में उतरा तो प्रशांत ने लिखा, जरा सूचित कर बड़गांव आपके कदमों में निवेदन कर रहा हूँ कि एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक दृष्टि को केवल था छाया कहा, एक निर्गुण को केवल थकाया कहा, एक दृष्टि को केवल था छाया कहा, एक लड़की है साधो जगत जिंदगी, एक कबीरा ने जिसको थमाया कहा, एक कबीरा ने जिसको थमाया कहा। प्रेम के विभिन्न स्वरूपों में खतरा बहुत है मेरे दोस्तों, लेकिन प्रेम के विभिन्न स्वरूपों में एकमात्र एक ऐसा प्रेम, देश प्रेम, जहां धोखा खतरा किसी बात की समस्या नहीं होती। तब मैं उसी पीढ़ी का एक विद्यार्थी, कविता की पीढ़ी का एक विद्यार्थी, फिर आपके कदमों में एक निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय सोम दादा बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूं। अब जथा सुचित कड़े बड़गांव की आप कविता सुनेंगे। निवेदन करता हूं कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। इतनी देर से ये कविता सुन रहे तो हो जब चार पंक्ति प्रेम की सुनूं हो मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनो आप, कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे, बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे, लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और निवेदन कर रहा हूँ अंतिम पंक्ति पर, जो लोग समझे जरा सूचित करें, आपके कदमों में आपकी पंक्तियां निवेदित करता हूँ, कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे, बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे, लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, मीत प्रीत का वो रंग उतार नहीं पाओगे। तब निवेदन कर रहा हूँ राम की बात, यहाँ दीदी ने कहा, मैं दो छंद आपको पढ़ देता हूँ आदरणीय संजीव भैया, फिर अपने जगह स्थान पर बैठ जाता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ आपके कदमों में पंक्तियां रखता हूँ, आदरणीय प्रभाकर दद्दू की महनीय उपस्थिति, आपके बीच आपकी पंक्तियां रखता हूँ, आप लोग सुन पाएंगे। अभी अभी आपने राम के विषय पर कविता सुनी है, इस दौर में राम के साथ क्या क्या हुआ है नजर फेरता चलो। निवेदन कर रहा हूँ कि जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। मैं जिस हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ, आप भी उसी हिम्मत के साथ सूचित कीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ आपकी पंक्तियां आपके कदमों में, निवेदन कर रहा हूँ कि जिसने था भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था, तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। तो सुनिए कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली मां घना दिया। राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली मां घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। और आपके कदमों में अपनी पीड़ा निवेदन कर रहा हूँ, आपकी पीड़ा और मेरी पीड़ा एक हो तो जरा समवेत रूप में सूचित कीजिए। निवेदन कर रहा हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली मां घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। और यक्ष बन राम के प्रत्यक्ष हुए राम, जब राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। और अंतिम छंद निवेदन कर रहा हूँ, जरा बड़गांव आगे से पीछे तक जितने लोग यहाँ एकत्रित है, आप अपनी संस्कृति और परंपरा के सम्मान में 2 मिनट तक की घनघोर तालियों से ये सूचित कीजिए कि आप कविता सुनने वाले हैं।
चौथी पंक्ति पर यह निवेदन कर रहा हूँ, जरा खड़े होकर यह सूचित कीजिएगा कि आप कविता सुन रहे हैं। निवेदन करता हूँ कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। निवेदन कर रहा हूँ आयोजन समिति के तमाम लोगों से कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं। और सूचित कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, जड़ खड़ा होकर सूचित कीजिएगा अपनी संस्कृति और परंपरा के नाम पर। निवेदन करता हूँ कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ भ्रिकुटी की भव्यता मैं भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं।